हेलो फ्रेंड्स, तृप्ति सक्सेना की किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी स्पाइसी जैकफ्रूट करी। सबसे पहले हम गैस ऑन कर देते हैं और इसमें अपना ऑयल डाल देते हैं। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल डाला हुआ है। अगर आप ज्यादा ऑयल खाना पसंद करते हैं तो आप सब्जी में ज्यादा डाल सकते हैं। जब तक हमारा ये ऑयल गरम हो रहा है तब तक हम आपको अपने इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता देते हैं। ये जैकफ्रूट है यानी कि कटहल। इसको मैंने ऑलरेडी बॉइल्ड करके और इसको फ्राई करके रख लिया था। ठीक है, ये हमारा बोन मसाला। बोन मसाला क्या होता है, ये मैंने घर पे बनाया हुआ है और ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है। इसमें मैंने नारियल घिसा हुआ लिया हुआ है, ठीक है, खड़ी लाल मिर्च ली हुई है, जीरा लिया हुआ है, सफेद तिल लिए हुए हैं, दालचीनी है, इलायची है और आपका काली मिर्च है। ये 7 चीजों को मैंने रोस्ट किया है तवे पे। उसके बाद इसको मिक्सर जार में पीस लिया है बारीक बारीक। यही सब्जी का सबसे मेन इंग्रेडिएंट है जिससे कि हमारी सब्जी एकदम क्रीमी स्पाइसी और बढ़िया बनेगी। 1 कप मैंने टोमेटो प्यूरी ले ली है, ये 1 कप मैंने अनियन प्यूरी ले ली है, 1 बड़ा चम्मच मैंने टोमेटो सॉस ले लिया है, थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है, पिंच ऑफ कसूरी मेथी, ये मैंने 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया हुआ है। ये आपके ऊपर है आप कितना स्पाइसी खाना चाहते हैं। 1 चम्मच मैंने नमक लिया हुआ है। नमक मैं इसलिए कम डालूंगी, अपने हिसाब से डालूंगी, आप कम भी डाल सकते हैं। अगर आप ज्यादा नमक खाते हैं तो आप नमक की मात्रा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा नमक कम ही डालूंगी इसलिए कि अगर मुझे ज्यादा कम लगेगा तो मैं बढ़ा सकती हूँ, लेकिन बढ़ा हुआ नमक फिर कम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये हल्दी, ये भी आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे, मैंने 1 चम्मच ले रखी है। ये 1.5 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया हुआ है और ये है हमारी फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम आप मलाई भी ले सकते हैं और अमूल की फ्रेश क्रीम आती है, आप उसको भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अनियन लूंगी, ये अनियन प्यूरी में डाल दूंगी। लेकिन सबसे अहम चीज मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आप खाना बनाए थोड़ा सा पीछे हो जाए। जोर से आ रहे हैं तो अपने को बचा के भी करना है काम। बस ये छिट्टे 1 मिनट 2 मिनट के लिए होते हैं, उसके बाद ही नॉर्मल हो जाता है। कभी भी कोई भी मसालेदार सब्जी बनाए तो टमाटर और प्याज को एक साथ कभी भी मत डालें, उसके टेस्ट में डिफरेंस आ जाता है काफी। तो ये मुझे 1 मिनट तक सौते करना है। अब हम इसमें टोमेटो प्यूरी डाल देंगे, इसे भी हम मिला लेंगे अच्छे से। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे अपना ये मेन इंग्रेडिएंट वाला गोन मसाला। ये आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे, आप ज्यादा डालना चाहते हैं आप ज्यादा डालें, मैं ज्यादा ही डालूंगी। ये तकरीबन मेरा 2 चम्मच था, 2 बड़े चम्मच जो मैंने डाल दिए हैं। और ये हमारी टोमेटो सॉस इसके अंदर गई, आप देख रहे हैं सारे इंग्रेडिएंट्स मैं एक एक करके डाल रही हूँ। हल्दी, हल्दी हमें ज्यादा नहीं डालनी है। नमक तकरीबन मैंने 1 चम्मच एज्यूम करके डाला हुआ है। थोड़ी सी मैं लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, थोड़ी हम ज्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि हमें स्पाइसी बनाना है, बट इतना स्पाइसी भी नहीं बनाना है कि अगला खाना है। इन सबको मैं मिलाऊंगी पहले। इस तरीके की
इंडियन है तो आपको ये बिल्कुल चिकन की तरह टेस्ट आएगा। देन इसमें हम अपना धनिया पाउडर अब डालेंगे। तो ये मैंने धनिया पाउडर आप पूरा ही डाल दीजिए। धनिया पाउडर डालने से क्या होता है, एक तो सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, दूसरी चीज सब्जी गाढ़ी हो जाती है। जीरा वगैरह आपको मिलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें इस मसाले में आपने ऑलरेडी मिला रखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। और थोड़ा सा मैं इसको क्रीमी कर देती हूँ, थोड़ा सा मैं ये क्रीम डालूंगी। क्रीम आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे, आप 2 चम्मच 4 चम्मच 6 चम्मच जितना आपको क्रीमी करना है उस हिसाब से क्रीमी करेंगे। और ये देखिए लिटिल बिट ऑफ वाटर डालूंगी जिससे कि मसाला हमारा जले नहीं। आप इस तरीके से सब्जी बनाएंगे तो हर आदमी आपसे पूछेगा कि इस रेसिपी में मेन आपने डाला क्या है, क्योंकि टेस्ट बिल्कुल अलग आ रहा है। मेरा मसाला रेडी हो गया है, धीरे-धीरे ये थोड़ी सी क्रीम मैंने बचा ली है गार्निशिंग के लिए। हम ऊपर से थोड़ा सा इसको फेंट लेंगे जब तक हमारा वो बॉइलिंग हो रहा है। ये मैंने फेंट लिया ऐसे अच्छे से, इस तरीके से हम हल्का हल्का फैला देंगे हर जगह। ठीक है, एक हम धनिया का पत्ता लगा देंगे बीच में। स्पाइसी जैक फ्रूट रेसिपी आपकी तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल पे, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप इसको जरूर बनाइएगा और हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा।